तो दीपिका दिया फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत दिल से शुक्र गुजार करती हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये खंडर सा घर दिख रहा होगा आपका, ये मेरा छोटा सा किचन रूम है। अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं चावल चढ़ाऊँगी। मेरी सासू माँ बेटी के घर गई है बोलबम का प्रसादी देने के लिए, तो अभी सब काम हमको ही करना पड़ेगा। और मेरे घर में काम करने वाली अभी तक आई नहीं है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोफा सरिया दिया है, आलना सरिया दिया है और सब काम कर लिया है मैंने, पूजा पाठ कर लिया है, नहा लिया है, बस झाड़ू पोछा बर्तन ये तीन चीज़ मेरे घर में काम करने वाली करती है, जो कि अभी तक आई नहीं है। मैं कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा बाबू सोई हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, वो सोई हुई है। अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम बाकी है, मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ। तो एक काम करती हूँ, जब तक बाबू नहीं उठेगी तो मैं पलंग सरिया नहीं सकती, इसलिए मैं आलू और प्याज काट लेती हूँ और काट के सीजने के लिए दे दूँगी। इसी का सब्ज़ी बनाऊँगी, क्या करूँगी इसका सब्ज़ी बना के। और कुछ हरा सब्ज़ी तो खरीद ही नहीं हूँ, क्योंकि सावन में हम लोग का लहसुन प्याज बन था और मेरे हस्बैंड बोलबम गए थे, तो बोलबम से वो अभी अभी यही दो तीन दिन हुआ है लौटने में। लेकिन ऐसे सावन ख़त्म हो गया है जिससे लहसुन प्याज खाना चाहिए, जल नहीं चढ़ेगा, 15 दिन के बाद फिर मानते हैं। तो हम लोग का फैमिली में आधा बंगाली है ना, मतलब मेरे ससुराल वाले बंगाली हैं और हम जहाँ के हैं वो बिहारी है, तो हम बिहारी हिसाब से मानते हैं। तो आलू काट लिए हैं, प्याज काट लिए हैं, हरा सब्जी वाला भी है, हरा सब्जी खरीदेंगे। तो देख रहे हैं मेरा आलू कट चुका है, अभी प्याज काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं। अब तो देख रहे हैं प्याज, प्याज कितना खराब, देखते हैं प्याज खाना। नहीं नहीं देंगे भाई, सब्जी मसाला है हम नहीं लेंगे अंकल, लगता हिंदी समझ में ही नहीं आता है, नहीं आता है तो रहो का। मेरा प्याज कट चुका है और दूध हटा के गर्म हो गया है, चढ़ा देंगे। सब झाड़ू लगाना पड़ेगा, झाड़ू लगा लेते हैं फिर चावल चढ़ाएंगे। झाड़ू लग जाएंगे तो उनका आए ना आए, इसका इंतजार नहीं कर पाएंगे भाई। तो देखिए दोस्तों टाइम, झाड़ू हमको लगाना पड़ेगा, झाड़ू लगा लेते हैं, झाड़ू नहीं लगाने से भी नहीं चलेगा। Thank you.
उसका कुत्ते नहीं आने के कारण झाड़ू हमको लगाना पड़ रहा है। झाड़ू लगा के पोछा कर लेंगे, उसके यहाँ चावल चढ़ा लेंगे और सोच रहे हैं दालू भी सब्जी भात बना लेते हैं, ज़्यादा अति भी नहीं पड़ेगा। बहुत सारा कपड़ा भी है दोस्तों जो कि खींचना पड़ेगा, मेरा पर्दा जो गर्म पानी में दे दिए तो उसको खुलिया गया है, उसको भी आयरन करना पड़ेगा क्योंकि बिना पर्दा का घर का दीवार में अच्छा नहीं लगता। जो हम सब पर्दा आयरन करेंगे ना, आप लोग बने रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, रूम में झाड़ू कर लें, अब बाहर में झाड़ू करेंगे। बाहर में झाड़ू करके फिर जमा करके पोछा लगा देंगे।